गाइस रोहित परदेशी हियर और आज हम निकल रहे हैं और एक फूड ब्लॉग के लिए एट शुक्रवार पेट। तो शुक्रवार पेट में ये होटल का नाम है अविष्कार रेस्ट्रोबार और यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रुप से जा सकते हो बिकॉज इट्स रेस्ट्रोबार। सो ग्रुप कपल्स और दोस्तों के लिए ये बेस्ट प्लेस है और यहाँ की बिरयानी पुणे में सबसे फेमस है। सो इनको बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं। सो इनका स्विगी और जोमेटो ऐसे ऑनलाइन पे आप बिरयानी ऑर्डर्स कर सकते हैं या और भी ऐसे मटन रान ऐसे इनके बहुत से फेमस है, सी फूड्स फेमस है, तो आप ये स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप फैमिली के लिए सोच रहे हो घर पे पार्सल। अगर आप ग्रुप के साथ जाना चाहते हो तो ये प्लेस बेस्ट है नियर बाय आपके अगर स्वारगेट के हो तो। सो लेट्स मूव देयर और आपको सीधा टूर पे ही लेके चलता हूँ, लेट्स मूव। नमस्ते सौरभ सर। नमस्ते। सो सौरभ सर, आविष्कार रेस्टोरेंट बार के बारे में आप क्या बताना चाहोगे व्यूअर्स को? देखो आविष्कार रेस्टोरेंट बार ये पिछले 15 साल से मंडे एरिया में शुक्रवार पेट शिवाजी रोड में है और यहाँ की खासियत ऐसी है कि स्पेशल दम बिरयानी है, मटन चिकन दम बिरयानी, उसके साथ कोलंबी बिरयानी स्पेशल है अपना। और यहाँ पे देखो रेस्टोरेंट बार होने के कारण यहाँ पे यंग क्राउड भी आते हैं और फैमिली के लिए भी अलग सेक्शन हमारा है और कॉलेज क्राउड भी बहुत अच्छा यहाँ पे आते हैं। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे आपको वैरायटी लिकर में चाहे तो लिकर में भी सबसे ज्यादा वैरायटी ये एरिया में हमारे पास है और फूड में भी बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारा हमारा स्पेशलाइजेशन है और हमारा मेन जो है क्वालिटी फूड के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर और ज्यादा से ज्यादा फूडी लवर जो है वो खाना खा के उनका मन तृप्त हो जाए। सो हम ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं अगर किसी फैमिली को या आने को मतलब चला नहीं तो आप इधर से ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं? जी जी, होम डिलीवरी के लिए हमारा खुद का एक डिपार्टमेंट भी है और अदर ऑप्शन में हमारा जोमेटो है और ऐसे ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो जोमेटो और स्विगी से हम ऑर्डर कर सकते हैं। और आप बता रहे थे कि हमारी बिरयानी को भी कुछ ऐसा अवार्ड मिला है तो? जी, बिरयानी के लिए हमने सरकार पुडारी जो ऐसे नामी न्यूज़पेपर है तो वहाँ पे हमने बिरयानी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे हमारा आविष्कार को एक अच्छा अवार्ड भी मिला था। ओके, सो यहाँ हम क्राउड के तो बारे में बता दिए और आप बार सिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहोगे? बार सिस्टम में भी यहाँ पे आविष्कार में छोटा कस्टमर मतलब एक मिडिल क्लास कस्टमर टू हाई क्लास कस्टमर सबके लिए वैरायटी है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास ब्लू लेबल अवेलेबल है, रॉयल सेलेक्ट अवेलेबल है, ऐसा कोई कस्टमर नहीं है कि जिसके लिए उनका ब्रांड अवेलेबल नहीं है। हर एक कस्टमर के उसके पॉकेट के मनी पॉकेट के हिसाब से ब्रांड अवेलेबल है। ओके, तो सर अगर हमारे कोई व्यूअर्स या आएगी ग्रुप से या किसी तो उनको कुछ डिस्काउंट मिलेगा? जी बिल्कुल, जो आपके चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ पे व्यूअर्स कस्टमर बन के आते हैं तो हम उनके फूड के ऊपर उनको 10% बिल्कुल डिस्काउंट दे सकते हैं। ओके ग्रेट, थैंक यू सर। इस डिश का नाम क्या है? पॉपलेट टमा। तो ये स्पाइसी होता है या मीडियम? मीडियम स्पाइसी, चटपटी। दही तंदूरी। तो मतलब इसमें ज्यादा करके दही होता है क्या? नहीं, मतलब इसमें क्रीम दही चीज रहता है। ओके, और हल्का सा स्वीट रहता है लेकिन खाने में पूरा सॉफ्ट है। ओके, जूसी जैसे लगते हैं मतलब अंदर पूरा मतलब मैरिनेट हो जाता है अंदर तक। ओके, जितना अच्छा देखने में ना खाने में। तो ये सौरभ सर ने हमारे लिए गेस्ट एक्सपीरियंस कर दिए हैं। सौरभ सर, मतलब आप भी कभी कभी अपने स्टाफ का हाथ बटाते? जी बिल्कुल, मैं खुद कभी कभी अपने स्टाफ को हेल्प करता हूँ और ताकि मेरा होटल मैनेजमेंट खुद का हो गया। ओके, बहुत प्रैक्टिस भी हो जाती है और स्पेशल गेस्ट के लिए खुद हम खुद बनाते हैं। बस मतलब आपने इतना बोल दिया मेरे लिए पेट भर गया इधर। शेफ के क्या बन रहा है? ये चिकन मालवानी। चिकन मालवानी हंडी। तो ये ग्रेवी में चिकन जाएगा या अलग से चिकन है? तो सूखा चिकन आएगा, ग्रेवी अलग से। अच्छा, तो सौरभ सर, ये वीआईपी रूम का सीन क्या है? मतलब इतने ऊपर वीआईपी रूम है सर? ये एक्चुअली कैसे है, ये हार्ट ऑफ सिटी एरिया पड़ता है, राइट एरिया, शुक्रापेट हार्ट ऑफ सिटी एरिया पड़ता है।
तो बहुत से लेट सारे कस्टमर्स आते हैं, वीआईपी गेस्ट आते हैं, जैसे अपने मराठी में एक्टर्स एक्ट्रेस है, तो शूट खत्म होने के बाद उनको लेट नाइट थोड़ा खाना नहीं मिलता है, तो बहुत सारे हमारे दोस्त और ये जो है वो रात को आते हैं और उनको पब्लिक में कस्टमर में बैठने को ये कंफर्टेबल नहीं होता और उनको पब्लिक थोड़ा सा तकलीफ भी देती है, तो उनके लिए हमने अलग से एक सेक्शन बनाया है जो कि कॉन्फ्रेंस भी है और वो आके यहाँ पे लंच डिनर भी कर सकते हैं और थोड़ा सा एंजॉय भी कर सकते हैं। सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए कॉन्फ्रेंस? जी जी। ओके, पहली डिश स्टार्टर पापलेट, ये जो है ये पॉपलेट तवा पर है, थोड़ा सा जूसी टाइप का है और स्पाइसी लिटिल बिट रहेगा और थोड़ा चटपटा रहेगा। और गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम है शी फूड के साथ, तो तुम्हें बन गया? यस, अपन कर देगा। तो अभी तक मैंने कभी सी फूड नहीं ट्राई किया, अगर मतलब मेरे करीब के लोग होंगे तो आपको पता होगा मैं सिर्फ चिकन पे अटैक करता हूँ, सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम और मैं इधर ट्राई करना हूँ। टेस्ट ऐसा टैंगो है, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा, और जो मतलब हम टिपिकल स्टार्टर देख के जो ऐसा चिकन 65 चिकन थोड़ा सा वैसा फ्लेवर है, बट जो फिश कुक हो चुकी है इट्स रियली ग्रेट। और ये जो फर्स्ट टाइम खा रहा हूं सो इसके लिए डैम गुड। और इसकी प्राइस क्या है सर? इसकी लगभग 300-350 तक रहता है, एज पर साइज रहता है। ओके, मतलब थोड़ा साइज कम रहेगा तो उसका थोड़ा कम रेट जाता है, थोड़ा प्राइस बढ़ा, साइज बढ़ गया तो प्राइस बढ़ता है, बट अप्रोक्सीमेटली 300-400 के रेंज में रहता है। ये सी फूड लवर के लिए बेस्ट है। अगर मैं आपको करीब से डिश दिखाऊं तो इसमें से जूस निकल रहा है, क्विज करने के बाद इसमें जूस निकल रहा है, सो अच्छे से कुक हो चुका है, सॉफ्ट है। और पहली बात कि मैं नॉन सी फूडर हूं तो मुझे पसंद आया, हेड्स ऑफ कि मतलब मैं खा सकता हूँ तो अभी कोई भी खा सकता है। तो सर ये सूखा मटन, ये मटन सूखा है, ये थोड़ा सा स्पाइसी रहता है और इसमें स्टॉक वाटर में हम बॉईल करते हैं पूरा मटन। वापस मैं मटन नहीं खाता हूँ तो मतलब अभी जस्ट उसका जो ग्रेवी है मैं वही टेस्ट कर रहा हूँ। सो लेट्स ट्राई फ्रॉम मसाला। थोड़ा गार्लिक है और उसका जो मसाला का फ्लेवर है वो पूरा आपके मुंह में ये होता है, मिक्स हो जाता है। और ये ऐसा भी बोल सकते हैं आप, टिपिकल महाराष्ट्रियन स्टाइल भी है। मुझे मोस्टली कोकोनट फ्लेवर ऐसा लग रहा है। हाँ, फर्स्ट बाइट ऑफ मटन, जिंदगी फिर खा जा रहे हैं। अच्छे से कुक हो चुका है और मुझे ऐसा लगता था कि पहले सिर्फ चिकन ही जूसी और अच्छा बन सकता है, द चेंज माय कंसेप्ट। और मम्मी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो माफ कर दो कि मैं अच्छे मटन खाने लग गया हूं। अब इसके बारे में और कुछ बता सकते हो इस मटन के बारे में? ये थोड़ा सा मतलब अलग लग रहा है जैसे बाहर हम खाते हैं, इसकी टेस्ट थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या है, पहले हम स्टॉक वाटर में उसको पूरा बॉईल करते हैं, फिर जब मटन सूखा बनाते हैं तो मसाला और स्टॉक वाटर ये दोनों का मिक्स करके वापस उसको सूखा बनाते हैं। ओके, मतलब तो जो उसका ओरिजिनल फ्लेवर है मटन का वो उसमें आ जाता है और ये अच्छे से मिक्स भी हो चुका है। सो इसकी रेंज क्या थी? इसकी रेंज 280 से 330 तक जाता है और ये स्टार्टर है। सो मालवनी चिकन टोटल कोकन स्टाइल, और मालवनी चिकन फेवरेट है मेरा, जब ढाबे पे हम जाते हैं सो इट्स माय फेवरेट।
ये जो मालवरी चिकन है ये थोड़ा हमने उसको चेंज किया है, मतलब टिपिकल मालवरी चिकन अंडी जो रहता है उसमें कोकोनट और ये पूरा ऐसा ऊपर से भरा होता है, तो हमने क्या किया है मालवन की टेस्ट पूना में लाने के लिए थोड़ा सा लिटिल बिट उसमें चेंज किया है ताकि मालवन के लोगों को भी बुरा ना लगे और पूना के लोगों को भी अच्छा लगे, ऐसा उसका चेंज मतलब क्या है उसमें हमने खुद का मसाला ऐड किया है और जो कोकोनट का ये रहता है वो थोड़ा सा कम किया है तो वो पूना के लोगों को भी ज्यादा पसंद आता है और उसके साथ जो ग्रेवी है वो हमने वापिस उसको मालवनी टच दिया है बट महाराष्ट्र पुणे के स्टाइल में टच दिया है, तो मतलब हाइब्रिड कर दिया है अपना खुद का वर्जन। जी जी ये अपना इसमें कोकोनट मिक्स है ना? हाँ कोकोनट मिक्स थोड़ा चीवी लग रहा है सो उसमें कोकोनट की टेस्ट आ रही है, कोकोनट को मिक्स करके ग्रेवी में मिक्स किया जाता है बिल्कुल जितना मुझे पता है। उसके साथ हम लोग को मतलब ग्रेवी भी मिले थोड़ा स्पाइसी है उसमें भी कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है, कोकोनट का फ्लेवर और जो हमको मतलब गाव की जो टेस्ट लगती है हल्का सा गाव का फ्लेवर है वो बता नहीं सकता मैं, थोड़ा सा ये लगेगा वो बता नहीं सकता बट वो समझ जाता है कि गाव की थोड़ी टेस्ट आ रही है। ये हम रोटी के साथ ट्राई करेंगे, वर्थी थे मालूम मालवनी बहुत से खाए, मैं टिपिकल ब्लॉगर जैसा नहीं बताऊंगा कि मैंने ऐसी डिश कभी खाई नहीं है, मालवनी मैंने बहुत से ट्राई किए बट इसमें जो इन्होंने कहा कि पूरा मालवनी टाइप नहीं थोड़ा सा चेंज है सो ये फ्लेवर उबर के आ रहा है, तो सर इनकी रेंज क्या है? ये कम से कम 380 तक हाफ जाता है और 520 तक फुल जाता है, तो अभी हमने जो लिया है ये हाफ है, ये मतलब आराम से तीन से चार जन आराम से खाते हैं और फुल में 8 जन तक आराम से खाते हैं, 6 से 7 जन इनफ वर्थी है, मतलब आराम से 400-500 में एक इंसान का पेट भर जाएगा, पूरा 500 रुपए में एक 3-4 जन का आराम से पेट भर सकता है। तो अगर मतलब मेरा फर्स्ट रेफरेंस होगा कि आप अगर इधर आओगे तो मालवनी ट्राई कीजिए, मुझे जितना मतलब मालवनी मैंने ट्राई किया और मुझे जितना पता है मालवनी के बारे ये हटके और आप इधर ये आराम से ट्राई कर सकते हो और ज्यादा बजट मतलब बाहर भी नहीं बजट के अंदर ही, सो आप ये ट्राई कीजिए। इसके साथ बटर रोटी जरूर लेना बिकॉज इनके बटर भी मतलब भर भर के धो के डाले हैं, सो ये दिल से दे रहे जो फूड दे रहे और भी फूड आने वाले सो वेट एंड वॉच। ये जो है अपना लाइव बिरयानी मतलब ये जो दम बिरयानी लाइव दम बिरयानी हम लोग करते हैं, तो इसमें क्या होता है ये आप ही एज अ गेस्ट आप ही खोलने का और आप ही सर्व करने का, तो हम आपको उसका ये देते हैं नीचे आपके हाथ से खोलो और उसका नॉर्मल दम बिरयानी और इसमें फर्क क्या है? नॉर्मल दम बिरयानी क्वांटिटी में रहती है और ये छोटे छोटे क्वांटिटी में आता है, ये भी दम बिरयानी है एक्चुअली बट ये छोटे पोर्शन में रहने के बाद उसका फ्लेवर और भी अच्छा लगता है और खाने के लिए वो एकदम टेस्टी लगता है। कंसेप्ट अलग क्यों है सब रोटी रखती ये इसका जो अंदर का जो स्मेल है वो और अच्छा लगे और उसको दम अच्छा प्रॉपरली लगे इसके लिए ये रोटी लगा के हम लोग पैक करते हैं। अभी देखो उसका जो खुशबू आता है वो एकदम अलग से आता है, एकदम बढ़िया गरम गरम हाँ पूरा दम उसको प्रॉपर दम हुआ है थोड़ा सा गरम तो मतलब आप भी लेके आए थे ना बट्टी से निकल
सो इसके मतलब तीन पोर्शन हो गए ना, नीचे पीसेस हो गए। नहीं, इसमें नीचे पूरा चिकन और मटन रहता है और वो पूरा फ्लेवर्ड रहता है, मतलब उसका मसाला हम लोग जो बना के उसको दही में मैरिनेट करके पूरा रखते हैं, उसके ऊपर पूरा घी आता है, ओरिजिनल घी आता है, और उसके बाद वो दम लगाने के बाद वो पैक हो जाता है और उसके ऊपर राइस आता है। तो बेसिकली आप जब घर में बनाते हैं तो तीन फ्लेवर में बनाते हैं, ये ऐसा नहीं रहता है क्योंकि ये मटका है, तो नीचे पूरा मटन रहता है और चिकन जो भी रहेगा, और उसके ऊपर मसाला और उसके ऊपर राइस पूरा आता है। जो है बिरयानी के साथ हम रायता देते हैं, अचार देते हैं, और बिरयानी का स्पेशल एक ग्रेवी रहता है, हाँ। वो भी रहता है इसके साथ। ये पूरा सब मसाला और बिरयानी, तीनों पोर्शन एक साथ आ जाएंगे। हाँ, और इसमें दो लोग आराम से खा सकते हैं। हाँ, ये ऊपर राइस थोड़ा। लेट्स ट्राई फर्स्ट बाइट, खुशबू ला जाओ, और इसमें घी का जो मतलब टेस्ट आ रहा है, मतलब स्मेल में ही समझ के आ रहा है कि आपने इस पे कितना घी डाला है। ये बिरयानी का अगर मुझे एक याद आ गया, मतलब जो मोस्टली मुस्लिम शादियों में जो हम प्रॉपर कुक बुलाते हैं, जो बिरयानी के मतलब एक्सपर्ट होते हैं प्रॉपर, वैसे ही ये बिरयानी मतलब प्रॉपर तरीके से वो पका गया है, और जो एक एक मतलब बाइट में जो फ्लेवर उभर के आ रहा है, और मोस्टली जो घी का जो फ्लेवर इसके साथ मिक्स हो चुका है, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर किसी मतलब जिसको पता है 100 साल से किसी की प्रैक्टिस है, वैसे ही कुक ने बनाया होगा। इसकी प्राइस क्या है सर? इसकी 320 रुपए फुल बिरयानी है बजट विद जीएसटी, और हाफ जो है वो 210 रुपए की। अभी हमने हाफ हो गई, ये हाफ हो गई, तो इसी में हम आराम से दो लोग खा सकते हैं। अगर आप फुल लोगे तो आराम से 4 से 5 लोग खा सकते हैं। और ये भी बोलते हैं कि बिरयानी के साथ अगर आप रायता मिक्स करोगे तो टेस्ट और उभर के आते हैं। तो रायता भी एकदम स्वीट रहता है, रायता की वजह से जो टेस्ट मिल गया। अगर आप बिरयानी शौकीन हो और अगर आप मतलब रायता कभी जिंदगी में अपने ऐसा मिक्स नहीं किया है तो आप गलत तरीके से खा रहे हो, बिकॉज इसके वजह से अलग से एक ऐसा पॉपअप हो जाता है टेस्ट। सो ये सही है, और यहाँ का आई थिंक अगर मुझे इधर का समअप करना होगा आविष्कार रेस्टोरेंट बार का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिरयानी तो बेस्ट है, बट फ्रॉम माई जेन्युइन पॉइंट मुझे इधर का मालवाली टॉप रैंकिंग लगा, टॉप नॉट लगा, बिकॉज बहुत अलग तरीके से बनाया गया। बिरयानी तो फेमस ही, इसको बहुत से अवार्ड मिले, बट जितने मैंने मालवाली खाए थे वो मालवाली मुझे सबसे मतलब पसंदीदा लगे। फर्स्ट मालवाली, सेकेंड दम बिरयानी, मतलब ये दम बिरयानी अगर आप मोस्टली अगर वेडिंग में अगर खा के आए हो, और वो भी प्रॉपर मतलब मुस्लिम ऐसे जिधर वो प्रॉपर बनता है, तो आपको ये बिरयानी की टेस्ट प्रॉपर मतलब मैच हो जाएगी। सो गो फॉर बिरयानी, बजट फ्रेंडली है। उसके बाद आप जा सकते हो मटन स्टार्टर के साथ, पॉपलेट सी फूड्स, मतलब ऑलमोस्ट 10/10 है ये डिशेस सब, बेस्ट आपको बजट फ्रेंडली है। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहोगे तो आप इधर मतलब ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो, या इधर आकर आपको एक अलग सेक्शन भी मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि इधर बार सिर्फ बार है तो आपको मतलब उनके बीच में बिठाया जाएगा, नहीं, उनके लिए अलग सेक्शन भी है। प्लस आप ऑनलाइन फूड भी ले सकते हो, इनका खुद का अलग डिपार्टमेंट है, उसके लिए मतलब नंबर शेयर हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लोकेशन भी शेयर हो जाएगी। प्लस अगर आपको यहाँ आना है और आप यहाँ मतलब डिश ऑर्डर करते हो, तो अगर आप मेरा नाम बताओगे रोहित परदेशी ब्लॉग से आए या व्यू करके आए, तो आपको यहाँ 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन फूड। और बार का तो मैंने आपको बता चुका है कि मतलब जितने भी बार में ड्रिंक्स मिलते वो इधर सब अवेलेबल है।
सो आइए इधर का मजा लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसी के बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।